वर्डप्रेस के लिए प्लगइन्स हजारों नहीं लाखों की तादाद में हैं, और ये प्लगइन्स फ्री हैं, पेड हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो बेसिक फंक्शंस फ्री में प्रोवाइड करते हैं और ज्यादा फीचर्स के लिए आपको कुछ चार्ज देना पड़ता है। लेकिन इनमें से 5 प्लगइन्स ऐसे हैं जो आपको हर वर्डप्रेस वेबसाइट में इंस्टॉल करने ही चाहिए। एक्चुअली में इनको किसी भी थीम या कोई भी और कंटेंट डालने से पहले ही इंस्टॉल कर लेना चाहिए। ये प्लगइन्स कौन से हैं, इनका क्या यूज है और इन्हें सेटअप कैसे करते हैं, जानते हैं आज के वीडियो में। हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फ्रॉम amittiwari.net और इस चैनल पर हम बात करते हैं प्रोफेशनली वेबसाइट बनाने के तरीकों के बारे में हर मंडे और थर्सडे सुबह 8:30 बजे। सो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं तो इस वीडियो को फेसबुक पर, ट्विटर पर या अपने फेसबुक जो है वो पेजेस में और व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर शेयर करें। इट्स अ पर्सनल रिक्वेस्ट। प्लगइन्स आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में नए नए फीचर्स, सिक्योरिटी, लुक और फंक्शन जोड़ सकते हैं। नए प्लगइन्स को इंस्टॉल करना बहुत आसान है। आपको साइड बार में से प्लगइन सेक्शन दिखाई देगा, इसमें आप ऐड न्यू पर क्लिक करें और अब इस पेज से आप नए प्लगइन्स को ढूंढकर इंस्टॉल और एक्टिवेट कर सकते हैं। प्लगइन्स को सर्च करने के लिए इस सर्च बॉक्स में आपको प्लगइन का नाम टाइप करना होगा और प्लगइन आपको इस तरह से दिखाई देगा। आपको जस्ट इसके आगे बने हुए इंस्टॉल नाउ बटन पर क्लिक करना है और थोड़ी देर वेट करना होगा। वर्डप्रेस अब इस प्लगइन को डाउनलोड करके आपकी वेबसाइट में जो है इंस्टॉल करेगा। इसके बाद आपको यहीं पर इस तरह का एक्टिवेट बटन दिखाई देगा। इस एक्टिवेट बटन को क्लिक करके आप इंस्टॉल किए हुए प्लगइन्स को अपनी वेबसाइट पर एक्टिवेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इन प्लगइन्स की लिस्ट को, कौन से हैं ये 5 जरूरी प्लगइन्स। प्लगइन नंबर 1, डुप्लीकेट पोस्ट। ये प्लगइन होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वर्डप्रेस में बाय डिफॉल्ट किसी भी पेज या पोस्ट की कॉपी बनाने का इनबिल्ट ऑप्शन होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है और इसलिए हम इस प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं। ये प्लगइन एक ही काम करता है, किसी भी पेज या पोस्ट की कॉपी बनाना। प्लगइन इंस्टॉल करिए और एक्टिवेट करने के बाद इसकी कुछ सेटिंग्स को आप एडजस्ट कर सकते हैं सेटिंग्स मेन्यू में डुप्लीकेट पोस्ट टैब पर क्लिक करके। इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि पोस्ट या पेज को कॉपी करते टाइम किस किस एलिमेंट को कॉपी किया जाए, और जैसे डेट, स्टेटस, ऑथर, पासवर्ड। इसको यूज करने के लिए किसी खास मेन्यू में जाने की जरूरत नहीं है। जब भी आप पोस्ट या पेज सेक्शन में जाएंगे तो आपको किसी भी पेज या पोस्ट के ऊपर जैसे ही आप माउस ले जाएंगे आपको क्लोन का ऑप्शन दिखाई देगा। इसे क्लिक करिए और आपकी पोस्ट या पेज की जो है एक और कॉपी बन जाएगी। सिंपल। वर्डप्रेस में पता नहीं ये ऑप्शन जो है वो बाय डिफॉल्ट क्यों नहीं दिया है। प्लगइन नंबर 2, किसी भी वेबसाइट में इमेजेस यानी कि पिक्चर सबसे जरूरी पार्ट होती हैं और वो सबसे हैवी पार्ट भी होती हैं। हैवी ओवरसाइज इमेजेस का मतलब है कि आपकी वेबसाइट देर से लोड होगी, लेकिन हर कोई फोटोशॉप ओपन करके पिक्चर्स को सही साइज में ऑप्टिमाइज नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके लिए एक बड़ा अच्छा और रिलायबल प्लगइन ऑलरेडी अवेलेबल है, स्मश। इसका आइकन कुछ ऐसा है। इसे भी पहले की तरह आप इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लीजिए और फिर इसकी सेटिंग्स में आने के लिए साइड बार में इस तरह का स्मश ऑप्शन जो है आपको दिखाई देगा, इसको क्लिक कीजिए। जब आप पहली बार इस सेटिंग्स में आएंगे तो आपको कुछ विंडोज दिखाएगा, सब में आप फॉरवर्ड बटन क्लिक करते जाइए और इसके बाद सेटिंग्स में कुछ ज्यादा करने को नहीं है। थोड़ा नीचे आने पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। फर्स्ट 2 ऑलरेडी एक्टिवेटेड हैं, बाकी इन 2 ऑप्शंस को भी आप चेक कर दीजिए और इसके बाद क्लिक ऑन अपडेट सेटिंग्स। ये दोनों ऑप्शन बड़ी साइज के इमेजेस को छोटा कर देते हैं, जिससे बेकार में आपके पेज की स्पीड जो है वो अफेक्टेड नहीं होती है। अगर आपकी वेबसाइट काफ़ी पहले से चल रही है और आपने स्मश को अभी अभी इंस्टॉल किया है तो इस रीचेक इमेजेस बटन ऑप्शन पर क्लिक करके आप जो है सारी इमेजेस को एक बार चेक कर सकते हैं, उन्हें ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अब आप जब भी नई इमेजेस अपलोड करेंगे तो स्मश अपने आप ही पहले से ही जो है इमेजेस को कंप्रेस करके उसके साइज को छोटा कर देगा, जिससे आपकी वेबसाइट फास्ट बनी रहेगी। प्लगइन नंबर 3, W3 टोटल कैश। ये परफॉर्मेंस बढ़ाने वाला प्लगइन है, वर्डप्रेस की परफॉर्मेंस आई मीन। एक्चुअली में ये प्लगइन इतना बड़ा है कि इसके ऊपर एक खुद का एक वीडियो होना चाहिए, लेकिन अभी हम इसको जल्दी से सेटअप करने का तरीका सीखते हैं एकदम क्विक मोड में। तो इसको भी बाकी प्लगइन्स की तरह इंस्टॉल करके एक्टिवेट कीजिए। इसका आइकन ये है। इंस्टॉल करने के बाद इसे सेटअप करने के लिए साइड बार में परफॉर्मेंस सेटिंग पर जो है वो क्लिक कीजिए और सबसे पहले ऊपर ही आपको दिखाई देगा इस प्लगइन की टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने का ऑप्शन। अगर आप चाहें तो इस लिंक पर क्लिक करके इन 28 पेजेस के जो है इनका एग्रीमेंट है उसको पढ़ सकते हैं, जिसमें 15,500 वर्ड्स हैं, या फिर आप वो कीजिए जो मैंने किया है, एक्सेप्ट बटन पर क्लिक कीजिए। इसके बाद साइड बार में परफॉर्मेंस टैब में ही जनरल सेटिंग्स पर क्लिक कीजिए और अब हम इस प्लगइन्स के मेन फीचर्स को इनेबल करेंगे। सबसे पहले पेज कैश बॉक्स में पेज कैश के आगे जो इनेबल बटन बना हुआ है उस पर चेक कीजिए और पेज कैश मेथड में डिस्क एनहांस्ड को सेलेक्ट कीजिए और फिर क्लिक कीजिए सेव ऑल सेटिंग्स पर। फिर इसके नीचे मिनीफाई सेक्शन में भी मिनीफाई के आगे इनेबल बॉक्स पर टिक कीजिए और नीचे क्लिक कीजिए सेव ऑल सेटिंग्स पर। इसके नीचे ओपकोड का ऑप्शन है, उसको टच नहीं करना है। डाटाबेस कैश है, इसको भी टच नहीं करना है। फिर है ऑब्जेक्ट कैश, इसको भी टच नहीं करना है। और लास्ट में ब्राउजर कैश है, ये बाय डिफॉल्ट इनेबल है, इसको इनेबल ही रहने देना है।
एंड दैट्स इट। इस प्लगइन में अभी काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं, लेकिन इनको डिटेल में किसी और वीडियो में हम देखेंगे। अभी ये प्लगइन इतनी सारी सेटिंग्स में ही आपकी वेबसाइट की स्पीड जो है उसको काफ़ी बूस्ट कर देगा और आपको अच्छी वेबसाइट जो है आपके यूजर्स को अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। प्लगइन नंबर 4, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो में स्कीमा मार्कअप को जनरेट करने के बारे में बताया था, लेकिन ये प्लगइन आपकी वेबसाइट में, आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में स्कीमा डाटा को जनरेट करने और वेबसाइट में ऐड करने की प्रोसेस को काफ़ी सिंपल बना देता है। वर्डप्रेस में स्कीमा डाटा के लिए काफ़ी सारे प्लगइन्स हैं, काफ़ी सारे फ्री प्लगइन्स हैं, लेकिन ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। इसका नाम है WPSEO स्ट्रक्चर्ड डाटा स्कीमा और इसे WPSEM प्लगइन्स ने बनाया है। इसको इंस्टॉल कर लीजिए, फिर एक्टिवेट कर लीजिए। अब इसकी सेटिंग्स देखने के लिए साइड बार में WPSEO स्कीमा को सेलेक्ट कीजिए। नाउ यहां आपकी वेबसाइट का नाम ऑलरेडी फिल्ड है, साइट टाइप में आपको जो है वो सर्च करना है कि आपकी साइट जो है किस टाइप के बिजनेस के बारे में है। अगर इस लिस्ट में आपको आपका एग्जैक्ट बिजनेस टाइप नहीं मिलता है तो आप सिर्फ लोकल बिजनेस को सर्च करके उसे सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहां बिजनेस का नाम, यहां साइट की इमेज या लोगो, प्राइस रेंज और फोन नंबर देने का ऑप्शन है। प्राइस रेंज में आपको कोई नंबर नहीं डालना है, ये सिर्फ एक हिंट देता है कि आपकी सर्विस या प्रोडक्ट जो आप दे रहे हैं वो सस्ती है, बजट प्राइस में है या लग्जरी प्राइस में है। $1 का मतलब है सस्ती, $2 का मतलब है बजट और $3 का मतलब है कि अमित तिवारी आप नहीं खरीद पाएंगे, ये लग्जरी आइटम है। इसके बाद और नीचे आकर आप अपने बिजनेस का डिस्क्रिप्शन, खुलने का टाइम, दिन, एग्जैक्ट जियो कोऑर्डिनेट्स लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में, कंट्री एड्रेस, पिन कोड दे सकते हैं और फिर यहां क्लिक करके आप लोगो अपलोड कर सकते हैं। इसी के साइड में आपको सोशल प्रोफाइल टैब दिखाई देगा, उसको क्लिक करके कंपनी का नाम दीजिए और फिर ऐड सोशल प्रोफाइल बटन पर क्लिक कीजिए। ड्रॉप डाउन में से सोशल नेटवर्क साइट को सिलेक्ट कीजिए और अपनी प्रोफाइल का लिंक पेस्ट कर दीजिए। और भी सोशल प्रोफाइल्स जोड़ने के लिए ऐड सोशल प्रोफाइल बटन पर क्लिक करते जाइए और इस प्रोसेस को रिपीट कीजिए। जितनी भी सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर आपके अकाउंट है उनको यहां पर ऐड कर दीजिए। इसके बाद कॉर्पोरेट कॉन्टैक्ट्स पर क्लिक करके आप कस्टमर केयर नंबर, टेक सपोर्ट नंबर, इमरजेंसी या किसी भी टाइप के कॉन्टैक्ट को दे सकते हैं। ईमेल भी प्रोवाइड कर सकते हैं और इसके बाद क्लिक करिए सबसे लास्ट में सेव चेंजेस पर। एंड दैट्स इट। ये प्लगइन अपने आप आपकी वेबसाइट में स्कीमा डाटा को ऐड कर देगा, जनरेट करके, और आपकी वेबसाइट जो है उसकी बिजनेस रैंक, उसकी गूगल लिस्टिंग रैंक जो है वो बढ़ती जाएगी। नंबर 5 प्लगइन है योस्ट SEO। जैसा कि नाम से ही पता चलता है ये एक SEO प्लगइन है। योस्ट SEO को भी आप फ्री में इंस्टॉल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और अगर आप इसके ज्यादा फीचर्स को यूज करना चाहते हैं तो फिर आप इसका पेड वर्जन भी ले सकते हैं। इसको इंस्टॉल करने के लिए ऐड न्यू प्लगइन पेज पर सर्च कीजिए योस्ट SEO और फिर इस प्लगइन को इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लीजिए। अब इस प्लगइन को आप दो पार्ट में सेट करेंगे। पहला पार्ट है प्लगइन की जनरल सेटिंग्स और फिर स्पेसिफिक पेज में भी इसको सेट किया जा सकता है। तो जनरल सेटिंग्स के लिए आप साइड बार में देखिए, आपको SEO ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कीजिए। अभी आप जनरल ऑप्शन में हैं, इसमें वेबमास्टर टूल पर क्लिक कीजिए और अब यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट को बाइडू, बिंग, गूगल और यैंडेक्स सर्च इंजन के साथ जोड़ सकते हैं। इंडियन बिजनेस को सिर्फ गूगल और ज़्यादा से ज़्यादा बिंग पर अपनी वेबसाइट को इंडेक्स करने की ज़रूरत है, इसलिए आप इन बॉक्सेस में वेरिफिकेशन कोड एंटर कीजिए। ये कोड निकालने के लिए आपको इन्हीं बॉक्सेस के नीचे लिंक मिलेंगे जहां पर क्लिक करके आप वेबमास्टर कोड जनरेट कर सकते हैं। अब सर्च अपीयरेंस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, इसके नीचे कंपनी को सिलेक्ट रहने दीजिए, फिर इसके नीचे कंपनी का नाम और लोगो अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद सेव चेंजेस बटन पर क्लिक कीजिए और सेटिंग्स को सारी सेव कर लीजिए। इसी तरह से आप कंटेंट टाइप्स टैब में पोस्ट और पेजेस के लिए टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन सेट कर सकते हैं। अगर आप कैटेगरीज के SEO टाइटल और डिस्क्रिप्शन को चेंज करना चाहते हैं तो इस टैक्सोनॉमीज बटन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर ऑप्शन सेट कर दीजिए। हर पेज पर सेटिंग्स देने के बाद सेव चेंजेस पर क्लिक जरूर करते रहिए जिससे आपके सारे ऑप्शन सेव होते जाएं। अब चलते हैं सर्च कंसोल बटन पर जो आपके गूगल सर्च कंसोल के साथ वेबसाइट को कनेक्ट करता है। इसमें गेट गूगल ऑथराइजेशन कोड पर क्लिक करके आप कोड जनरेट कर सकते हैं और फिर इस ऑथेंटिकेट बटन पर क्लिक करके प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। फिर है सोशल टैब, इसमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, माईस्पेस, पिंटरेस्ट और यूट्यूब की प्रोफाइल्स का लिंक आप रिस्पेक्टिव फीड में डालना होगा आपको और फिर क्लिक कीजिए सेव चेंजेस पर। तो इस तरह से आप योस्ट SEO की सेटिंग्स को प्लगइन में कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद योस्ट SEO आपको हर पेज पर या पोस्ट पर जो है वो सेट करने का ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है। इसके लिए आप किसी भी पेज या पोस्ट में थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको योस्ट SEO नाम से एक सेक्शन मिलेगा। इसमें आपको पेज का टाइटल, स्लग और डिस्क्रिप्शन का कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिलता है। इसके नीचे रीडेबिलिटी एनालिसिस है जो आपको बता रहा है कि इस पेज पर जो कंटेंट है वो SEO के लिए कितना अच्छा है या कितना बुरा है और साथ में आपको टिप भी देता है कि आप इसे कैसे सुधार सकते हैं। इसके नीचे ये फोकस कीवर्ड सेटिंग है, ये कीवर्ड है इस पेज के लिए
और जिस भी वर्ड या फ्रेज के लिए आप अपने पेज को रैंक करना चाहते हैं वो आप यहाँ एंटर कर दीजिए। इसके नीचे प्लगइन कुछ और सजेशन दे रहा है जिससे आप इस पेज को और इसके कंटेंट को और अच्छा बना सकते हैं। तो इस तरह से योस्ट SEO को अच्छे से सेट करके आप वर्डप्रेस वेबसाइट को सर्च इंजन में बेटर रैंक दिला सकते हैं। वाओ, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। एनीवे, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप बोरिंग इमेजेस देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। बेकार के व्यूज़ और ऑटोमेटेड पोस्ट पढ़ना चाहते हैं तो फेसबुक या ट्विटर पर फॉलो कीजिए। और सारे लिंक्स आपको जो है स्क्रीन पर दिखाई देंगे। और किसी भी बिजनेस क्वेरी के लिए आप फ़ोन नंबर भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अमित तिवारी फॉर अमित तिवारी .net and I will see you next time. Take care.